हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई दिल्ली में बढ़िया मौसम हो चुका है 2-3 दिनों से, और आप देख रहे हो मेरा न्यू लुक। तो भाई मैं बहुत दिनों से है, दाढ़ी से चुभने लग जाती है, तो मैंने सोचा साफ ऑफ कर लेते हैं और एक न्यू लुक रखते हैं, ठीक है। तो भाई दिल्ली में बहुत दिनों बाद यार मौसम थोड़ा अच्छा हुआ। 2 दिन से लगातार बारिश वारिश भी हो रही है, तूफान उफान भी आया, तो भाई थोड़ी राहत की सांस है, पर पता नहीं कब तक रहेगी क्योंकि गर्मियों का टाइम है और गर्मियों की छुट्टी भी पड़ गई है बच्चों की स्कूल की। तो कियांज गया है अपनी मम्मी के साथ ज्योति के गांव टकोली खाल, जहाँ पे एक शादी भी है। तो वो लोग तो भाई अपने गांव में एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ गांव का पता ही आपको यार, गांव में तो यहाँ से भी पहले बारिश शुरू हो गई थी और वहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है यहाँ से तो कहीं ज़्यादा। तो दिखाता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं गाँव में, अभी ले चलते हैं आपको सीधे टकोली खाल। दादा था, उठा उठा, चम उठ बोल, ताओ 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 नहीं दादा, दादा उठ बोल, चम उठ जा, चम उठ जा, स्कूल नहीं जाने से बोल, बोल स्कूल जा स्कूल। डराते थे भी को, आरवी को तो वो गाना आता है, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया, आरु सुना छोटो सो, नहीं पकड़ो नहीं पकड़ो, किस मुंह पे क्यों कर रहा गुदगुदी। मदन गोपाल, गुड मॉर्निंग कियांश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग, हाँ फिर सो गए, गुड मॉर्निंग कियांश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इसी चक्कर आ गए। कर डांस कर, आ रहे हो टैक्सी में, अरे डांस कर रहे, डांस कर, आ रहे हो तार रंग के लिए, हाय हाय, ये दूध ही दूध पीते हैं क्या, कुछ खाते नहीं इसके साथ, बाय। तो दोस्तों यार मेरे को तो यहाँ पे ना बैचलर्स लाइफ जीनी पड़ रही है, वही हाल हो चुके हैं, मतलब अपना खाना बनाओ, कपड़े धो, ऑफिस जाओ, और अपनी फैमिली को तो मैं मिस कर ही रहा हूँ क्योंकि यार भाई आदत हो जाती है हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की, और जब कोई होता नहीं है साथ में तो थोड़ा वो तो रखता ही है सन्नाटा। बट ये है कि कुछ दिनों की बात है, क्योंकि मेरे ऑफिस की इतनी छुट्टी नहीं थी, मेरा भी बहुत मन था गाँव जाने का पर मैं जा नहीं पाया। बट दोस्तों आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, मैं जल्द ही एक प्लान बनाने वाला हूँ घूमने का, और वो बहुत ही मस्त जगह है, मैं फ़र्स्ट टाइम उस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ घूमने, तो तैयार रहिएगा, आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊँगा मैं। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं रोटी बना रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि शादी के बाद इतना मौका नहीं मिलता, तो इतनी अच्छी रोटी तो नहीं बन रही, बट ये है कि हाँ खाने लायक हो ही जाएगी। अभी एक रोटी को सेकना भी है, सेक लेते हैं, और उधर कढ़ाई पे रात की सब्जी भी बन रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या सब्जी बनाई है आज के लिए मैंने। तो पहले मैं शादी से पहले भी खाना बनाता था जब मैं अकेला रहता था,
तो तब का मेरे को पता है खाना कैसे बनाते हैं, तो ये है कि इस टाइम पे काम आ जाता है। तो दोस्तों ये लग चुका है मेरा डिनर, तो मैंने अपने के लिए 4 रोटी बनाई है और देखिए मस्त गोभी आलू की सब्जी और थोड़े बहुत खीरे काट लिए हैं। The next day सुबह सुबह भी दिल्ली में काफ़ी तूफान आया, बारिश आई और उसके बाद तो बड़ी अच्छी धूप आ गई है और आज मैंने कपड़े भी धोए लाइन से, पूरे हफ्ते के इकट्ठा कर रखे थे और अभी देखो कितना साफ आसमान हो रखा है। हमारे गांव से ऐसा व्यू दिखता है, देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर था। हेलो हेलो गेहूँ सूख रहे हैं यहाँ पे। छुप गए हाय 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 आरो हाय कर, आरो हाय कर, तू भी हाय गई। अरे एक ही जगह क्यों छुप रहे हो तुम, चल बाहर निकलो। बोर्ड लगे देखो इस पे, इसको अभी तो कच्चा है, उसका छिलका निकाल के इसके अंदर से निकलेगा, को सुखाते हैं और फिर खाते हैं। कहा है? हाँ चाची कह रहे थे अभी पकने वाले हैं। हाँ कितने साल लग गए, चाची कह रहे थे अभी पक जाएंगे कुछ दिनों में। ज्वाला जब जा रहे हैं हम ताई जी के घर अपने, ये उनका घर, यहाँ से आता है बहुत सुंदर ही व्यू ताई जी के घर से। ये पूरा गांव, अच्छा। इस पर कितने बड़े बड़े मोटे आड़ू लग रखे हैं, है ना, जैसे आड़ू होता है आड़ू। एक तोड़ रहे मैं तो ताई का नहीं। हाँ एक लाल सा दिख रहा था मुझे कहीं पे, सीवल पहले लाल नहीं तो ऊपर पात हो रहा, वो एक अभी ना ऊपर भी दिख रहा था पर ऊपर तो फिर मुझे दो आड़ू आड़ू देखो तो वो लग जाएगी इस पे, मुझे तो वो जो ये कमरी में तो ये पी गया गाइस नहीं से तो उसने काट रखा यार। अरे हाँ ही भी ये उसने खा रखा है किसी ने। अरे मैं दिखा रहा हूं, हां दिखा आड़ू देख खा के बता कैसा हो रहा है। खाऊंगा खा खाऊं मैं देख लिए जो खा आड़ू। हां खा के जा, ये संतरे वो हो गए सड़ गए क्या, नहीं टूट रहा बोल ये है मेरी मम्मी का गांव, ऐसे बोल बता। अरे ये नानी का गांव है, मेरा है यार आपका गांव। बोल ये है मेरी मम्मी का गांव टकोली, बोल नानी का मम्मी बोलते हैं। हाँ अच्छा आपकी वो मम्मी है। हाँ तो खाया मैं क्यों, मेरी जैसे लग रही है क्या हुआ क्या खट्टा मीठा हो रहा है, कैसा हो रहा है खट्टा मीठा अच्छा हो रहा है गंदा, अच्छा हो रहा है गंदा हो रहा है तुक दे क्या हमने, कैसा है गंदा है, गंदा हो रहा है हाँ। क्यों हो रहा है गंदा, अच्छा हो रहा है पूरे पक जाते ला तब खा पाता मैं। अच्छा पूरे पक जाते, पकने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा क्या, आपको यही गांव में रहना पड़ेगा बहुत दिनों तक। रहूंगा रहेगा अच्छा लग रहा है आपको,
तो गाइस ये देखो पूरा अच्छा भाई बन भी रही वीडियो। हाँ बन रही वीडियो। व्यू देखो गाइस, पहाड़ देखो, पहाड़ देखो और उनके संतरे देखो, आड़ू 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 देखो। ये तो क्या बनाया भाई, यहाँ पर ऐसा लग रहा है सिप है। आज तो गांव में आड़ू खा रहे हैं और मैं दिल्ली में भी अपने के लिए आड़ू लाया हूँ, पर यहाँ पे दिल्ली में देखो पके हुए आड़ू मिल रहे हैं और गांव में तो पहले ही खा लेते हैं कच्चे ही। और मैक्रोनी दोनों मिक्स करके बनाऊंगा, तो अभी इनको पहले बॉईल कर रहा हूँ। तेल गर्म हो गया भाई, चलो शुरू करते हैं पास्ता बनाना। तो मैंने प्याज और लहसुन ले लिए, मेरे भुन चुके हैं। अब मेरे पास है स्वीट कॉर्न, थोड़े स्वीट कॉर्न ऐड करता हूँ और शिमला मिर्च। मैंने टोमेटो के ना प्यूरी बना दी है ताकि हम इसकी अच्छे से ग्रेवी बना सकें, यहाँ पे पास्ते के लिए सॉस पूरा बना सकें। तो भाई मैंने रेडी कर लिया अपना पूरा पास्ते के लिए ग्रेवी, चाहे सॉस मान लो आप उसमें। तो मैंने इसमें थोड़ा केचप भी मिलाया है और कुछ पास्ता की सीजनिंग है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और हाँ सोया सॉस लिया है, थोड़ा विनेगर भी लिया है। बॉयल पास्ता निकाल लिया है और उसको ठंडे पानी से धो दिया है। तो दोस्तों हम इसको हाफ बॉयल इसलिए करते हैं ताकि जब हम इस पास्ते को पकाएं तो ये ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि फिर वो चिपकने लग जाता है। तो ऐसे करके अगर आप ठंडे पानी में धो देते हो तो उनकी हीटिंग बंद हो जाती है और फिर और ज़्यादा नहीं पकते। तो बस दोस्तों 2 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा पास्ता। मेरी प्लेट, टेस्ट करते हैं इसको। One hour later. आप मेरे घर पे इतने सारे टॉयज लेके आए हो, सॉफ्ट टॉयज। ये देखो तुषा के पास इतने सारे टॉयज हैं। एक चोट लगी हुई है। तू मार दे।